मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। इस मॉडल को हम ISLM BP मॉडल भी कहते हैं बिकॉज इसमें तीन कर्व्स को यूज़ करके बनाया जाता है डायग्राम को, दैट इज़ IS कर्व, LM कर्व एंड BOP कर्व। और ये किसने दिया है? रॉबर्ट मुंडेल ने एंड मार्कस फ्लेमिंग ने इन 1960s। रॉबर्ट मुंडेल हैज़ टॉक्ड अबाउट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड मार्कस फ्लेमिंग हैज़ टॉक्ड अबाउट इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। Now, before coming on to the framework, what I want to say is that ये मॉडल पहली बार में समझ आ जाता है, बट जब हम इसको पहली बार ही करते हैं, tell me honestly, हमेशा गलती और confusion होती है। Why? Because this model is really very critical and lengthy. So what my personal choice is, whenever I have received a thing जो मुझे बहुत lengthy लगती है या confusing लगती है, I always make some shortcut rules or tips which help me to go through and grasp the answer well. सो सिमिलरली फॉर मुंडेल फ्लेमिंग, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने कुछ अलग अलग तरह के शॉर्टकट रूल्स बनाए हैं जिन्हें फील फॉलो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। सो लेट्स मूव एंड फर्स्ट गेट अ रफ आइडिया बिफोर दैट ऑफ द मॉडल। मुंडेल फ्लेमिंग ने बात करी है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की एंड मार्कस फ्लेमिंग ने बात करी है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की। अब दोनों ही परफेक्ट इम्परफेक्ट के अंदर एक बार पहले फिक्स्ड फ्लेक्सिबल की बात होगी, फिर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल की बात होगी, और फिक्स्ड के अंदर भी एक बार मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सिमिलरली इन अदर्स। तो इफ़ आई टेक इट इन शॉर्ट, यहाँ इस पूरे मॉडल में आपके 8 डायग्राम्स बनेंगे। 8 डायग्राम्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अब सबसे पहले एक बेसिक रूल पे चलते हैं कि चाहे आपके पास परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, LM और IS कर्व किस बेसिस पे, किस पॉलिसी पे शिफ्ट होंगे। जब भी आपको LM कर्व को शिफ्ट करना होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल होगी, जब भी IS कर्व को शिफ्ट करना होगा तो फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल होगी। हमारे इस पूरे मॉडल में 3 कर्व्स का यूज़ होता है, That is LM, IS and BP। ये 3 कर्व से हमारे सारे 8 के 8 डायग्राम्स बनेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इन कर्व्स के साथ अगर कोई मूवमेंट या शिफ्ट करना है तो उस कैसे होगा। IS कर्व के लिए फिस्कल पॉलिसी, LM के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, एंड ऑटोमेटिकली इन दोनों के इंटरसेक्शन से आप BP पर मूव करते रहेंगे। जब भी मुझे LM को राइटवर्ड शिफ्ट करना होगा तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड जब भी मुझे LM को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना होगा तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सिमिलर फॉर IS कर्व। नाउ कमिंग ऑन टू द शॉर्टकट रूल्स विच वर्क्स रियली वेरी वेल। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में अंडर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल हमेशा ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिसिट सरप्लस, डेफिसिट सरप्लस। जो हमारा इस मॉडल में मेन एम होता है वो ये है कि हमें BP लाइन पर आना होता है। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में आपका BP कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल बनता है, मतलब आने वाले अभी 4 डायग्राम्स में हम BP हॉरिजॉन्टल कर्व बनाएंगे। जब भी आप BP में ऊपर होंगे वो ही सरप्लस की सिचुएशन, जब आप नीचे होंगे वो ही डेफिसिट की सिचुएशन। सरप्लस इज़ अ गुड थिंग, बट द हार्ड फैक्ट इज़ कि जब भी BP की बात होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात होती है, आर मेन एम इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज टू कम बैक ऑन द बैलेंस ऑफ BOP कर्व। तो अगर आप सरप्लस में हैं आपको नीचे आना है, अगर आप डेफिसिट में हैं आपको ऊपर आना है। तो अगर ये प्रॉब्लम सरप्लस डेफिसिट की आएगी फिक्स्ड में तो आपका ये सॉल्यूशन है, अगर फ्लेक्सिबल में प्रॉब्लम आएगी डेफिसिट सरप्लस की तो ये दोनों सॉल्यूशन है। अब फिलहाल अगर हम इन सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे बिल्कुल थ्योरेटिकल लगेगा, पहले एक एक डायग्राम पर आते हैं फिर इन पर आएंगे। अब फर्स्ट डायग्राम इज अंडर परफेक्ट मोबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जितने भी अभी हम ये 8 इफेक्ट्स लेंगे डायग्राम में, हमेशा एक्सपेंशनरी के फॉर्म में ही लेंगे। तो अब ये हमारा बाय डिफॉल्ट डायग्राम है, IS कर्व, LM कर्व, BP कर्व इंटरसेक्ट करते हुए EO पॉइंट पर।
अब जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी, व्हाट विल हैपन, एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने अपने शॉर्टकट कर्व्स में, शॉर्टकट रूल्स में पढ़ा भी है। तो अब अगर इसको हम यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हम एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए, इवन बीपी लाइन के नीचे। अभी हमने शॉर्टकट में पढ़ा है कि जब भी बीपी के नीचे होते हैं, दैट इज़ ऑलवेज अ कंडीशन ऑफ डेफिसिट। अब हमारा मेन एम है कि हमें वापस किसी भी तरीके से इस बीपी लाइन पर आना है इक्विलिब्रियम के लिए। ये मैंने रूल्स लिखे भी हुए हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में फिक्स्ड के अंडर डेफिसिट की प्रॉब्लम हो, तो ये सॉल्यूशन होगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, परचेज डोमेस्टिक करेंसी, सेल फॉरेन करेंसी, जिससे कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा और आपका एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कर देते एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब अगर मैं एलएम को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूँगी तो मैं पुराने एलएम कर्व पे ही आ जाऊँगी और ईओ पॉइंट मेरा नया इक्विलिब्रियम E2 बन जाएगा। दस यहाँ पे हम बोलेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट। ठीक है, अब सेकंड तरह के डायग्राम पे चलते हैं, दैट इज़ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो अभी बिकॉज ऑफ रूल्स वी हैव स्टडीड वी नो कि IS इसी तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, हम बीपी के ऊपर आ गए E1 पे, सरप्लस की प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, विल गेट बैक टू अवर रूल्स। एंड सरप्लस में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, सेल डोमेस्टिक करेंसी, परचेज फॉरेन करेंसी टू इंक्रीज मनी सप्लाई, जिससे कि आपका LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो LM कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। ये E2 हमारा नया इक्विलिब्रियम बन गया है और जो मेन एम था कि हमें बीपी लाइन पर आना है, वो भी हम आ गए। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट डायग्राम में तो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बट यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बिकॉज सेम इंटरेस्ट रेट पर हम अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, दस फिस्कल पॉलिसी वर्क्स परफेक्टली है। अब हमने पढ़ा था अपने मॉडल में कि हमें 8 डायग्राम बनाने हैं। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट रूल्स। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर आते हैं। या वे हम अपने फ्लेक्सिबल में परफेक्ट मोबिलिटी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बाय डिफॉल्ट वही वाला डायग्राम। अब सबसे पहले लगेगी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड मार्क दिस एज इंटरेस्ट रेट। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि आपका LM राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक बार ट्रिक समझ आ जाए ना तो डायग्राम तो आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे, सिर्फ आप अपने शॉर्टकट रूल्स पे फोकस रखिए। अब आपको इतना पता है, आप फ्लेक्सिबल में डेफिसिट की प्रॉब्लम में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, गो टू योर रूल्स एंड सी। फ्लेक्सिबल में आप जब भी डेफिसिट में होंगे, आप डेप्रिसिएशन हो जाएगी, जिससे कि IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट मेक्स IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? IS कर्व हमने पढ़ा था गुड्स मार्केट रिप्रेजेंट करती है। डेप्रिसिएशन मतलब कि अगर पहले एक डॉलर इंडिया के 60 रुपए के मुकाबले था, अब एक इंडिया का एक डॉलर 70 रुपए के मुकाबले हो गया। दिस इज हाउ आवर करेंसी डेप्रिसिएट्स। अब ये बाहर वालों के लिए तो इंडिया की चीज़ें और सस्ती हो गई, तो जब ह्यूमन नेचर है, हमें लगा कहीं से सस्ती हो रही है, हम और परचेज करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और जब भी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमारा IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है। ये मैंने कलर ड्रॉ कर दिया, ये हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि ये यहाँ नए LM को यहाँ इंटरसेक्ट करे, ये एडजस्ट कर लेना, ये इस तरीके से बनेगा E2 पॉइंट। सो वी शुड ऑल्सो नो द
मीनिंग बिहाइंड कि जब भी डेफिसिट होगा डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन होगी तो बाहर के लोगों को हमारी इंडियन करेंसी में चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी तो वो ज़्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़ जाएंगे और आई एस कर्व एक्सपोर्ट्स बढ़ने से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज आई एस कर्व रिप्रेजेंट्स गुड्स मार्केट। अब फोर्थ डायग्राम पर आते हैं, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इससे पता ही है जब भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है तो आई एस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसने पुराने एलएम कर्व को ईवन पर इंटरसेक्ट करा जिससे कि हम सरप्लस की प्रॉब्लम में आ गए अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिर से हम अपने शॉर्टकट टूल्स खोलेंगे और हमने देखा इट लीड्स टू एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब कि जहाँ पहले हमारा $1.70 का था, अब एप्रिसिएशन के बाद हमारा वो $1 कम का हो गया, कुछ भी हो सकता है 20, 30, 40, 50, बट 70 से कम, लेट्स अज्यूम 60 रुपीज़, दिस इज एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन में देखो क्या होता है, पहले डेप्रिसिएशन में लोगों को बाहर वाले फॉरनर्स को इंडियन के गुड्स सस्ते लग रहे थे तो वो ज़्यादा खरीद रहे थे, अब जब उन्हें महंगे लगने लग गए हैं तो ऑफकोर्स वो अपने एक्सपोर्ट्स कम करेंगे। कम कर देंगे तो क्या होगा, आई एस कर्व जब एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ने से राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था तो आई एस कर्व कम सामान बिकने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स वाई आई एस कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो जो आई एस कर्व पहले बढ़कर आगे गया था वही हमारा आई एस कर्व नीचे आ जाएगा पुराने वाले पॉइंट पर और ई ओ पॉइंट ही हमारा नया ई टू पॉइंट बन जाएगा, सेम विल बी ऑन द सेम बी पी कर्व एंड सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट एज बिफोर। दस यहाँ पर भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का देयर इज नो प्रॉफिट, सेम। अब हमारा परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी कंप्लीट हो गया जिसके हमने ये चारों डायग्राम्स बना लिए। Now we have to come on to imperfect capital mobility, जिसके अगेन सेम paths हैं, fixed, flexible और दोनों के नीचे एक बार expansionary monetary policy का effect और एक बार fiscal policy का। अब हमने perfect capital mobility की जैसे shortcut rules करे थे वैसे ही imperfect की करेंगे। देखो इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के जो रूल्स होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो सेम रहेंगे जो कि परफेक्ट वाले थे, और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ होगी कि चलो वो डायग्राम में करेंगे कि यहाँ पे सरप्लस की कंडीशन ही नहीं आएगी, दोनों ही डेफिसिट केसेस होंगे। देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अब आप ध्यान से देखो तो मैंने डेफिसिट और सरप्लस दोनों को पहले लिख के फिर कट करा हुआ है, वाई, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएट करते थे परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में कि अगर बीपी कर्व के ऊपर आया है तो सरप्लस, नीचे आया हुआ तो डेफिसिट, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें जिस चीज़ से फ़र्क करना है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो डेप्रिसिएशन की बात है जहाँ पर आई एस राइटवर्ड हो जाएगा, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन हो रही है, आई एस कर्व लेफ्ट फॉर शिफ्ट जाएगा। हमने सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपके पहले केस में डेप्रिसिएशन के केस में जो बीपी कर्व है, यहाँ पे एक ही नई चीज़ है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है कि जो बीपी कर्व है इट विल ओनली शिफ्ट राइटवर्ड। अब तक हमने जितने भी डायग्राम्स करे हैं किसी में भी बीपी कर्व नहीं हिलता है, वो अपनी जगह स्टिल ही रहता है, बट इम्परफेक्ट के फ्लेक्सिबल में ये फर्स्ट एंड लास्ट केस है जिसमें आपका बीपी कर्व शिफ्ट कर सकता है। सेकंड कंडीशन में बस ये हमने पढ़ ही लिया। और इम्परफेक्ट में क्या अलग चीज़ है कि यहाँ जो आपका बीपी कर्व है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हेयर बीपी कर्व इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, जैसे कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में हॉरिजॉन्टल होता था, यहाँ पर ये इन इलास्टिक साइड ज़्यादा रहता है। इन इलास्टिक कैसे बनता है, टूवर्ड्स आपका स्लाइटली ऐसे पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग की तरह आपका बीपी कर्व बनेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द मॉडल्स डायग्राम्स,
सबसे पहले फर्स्ट मॉडल पे ही चलते हैं, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फिक्स्ड वाला पार्ट, वही होगा जो अब तक हमने फर्स्ट हमेशा जैसे करा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे आपका LM कर्व, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, इसको लिख देती हूँ मैं LM1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 बन गया है। अब जो E1 पॉइंट है वो BP कर्व के नीचे बने, ये लेफ्ट साइड सरप्लस, राइट साइड डेफिसिट। अब जब ये नीचे बने E1 और रूल्स इसके पुराने वाले सेम ही हैं, तो डेफिसिट में क्या होता था, गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, परचेज डोमेस्टिक करेंसी, सेल फॉरेन करेंसी टू डिक्रीज मनी सप्लाई, जिसके कारण आपका LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब जो LM कर्व नीचे आया था वो सेम ऊपर चला गया, तो ये EO पॉइंट यहाँ पे हमारा E2 पॉइंट ही बन गया, हम सेम इक्विलिब्रियम पर वापस आ गए, दस यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर ये चलते हैं दूसरे डायग्राम पे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, आपका IS कर्व आगे आ जाएगा, IS1 बन गया, ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पर। अब ये भी BP कर्व के नीचे आ रहा है, तो डेफिसिट, सेम सॉल्यूशन, आपका LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये अगर मैं इसको LM को मैंने शिफ्ट करा, ये BP पर एक हायर पॉइंट पर आ गया, E2 पॉइंट, दस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले EO पॉइंट इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे था, अब E2 पॉइंट इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर है, तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई है तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी से कुछ इफेक्ट हो रहा है। जिससे हमेशा, अब दोनों डायग्राम से आपके कंप्लीट हो गए, हमेशा हमने देखा है एक केस डेफिसिट होता है, एक केस सरप्लस। यहाँ पे हम BP कर्व दो भी इम्परफेक्ट में ना, BP कर्व हैज़ नो स्टैंड, वो कभी भी आपका इंक्लाइंड इनलास्टिसिटी की तरफ ज़्यादा हो जाता है, कभी कैसे बन जाता है। अगर इस डायग्राम में किसी बुक में आपको दिखेगा दो BP कर्व्स बने हुए हैं, ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर हम नीचे वाला मतलब जो नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो वो BP लेते तो यहाँ पर सरप्लस केस आ जाता, बट मैंने सेम BP कर्व लिए है कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसलिए ये दूसरा केस भी हमारा डेफिसिट का है। नाउ कमिंग ऑन टू इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक जब लेट तक उठे रहो ना, आवाज़ ही बदल जाती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अब यहाँ पर आपके रूल्स डिफ़र करेंगे जो हमने नए रूल्स करे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के, जहाँ पर हमें डेफिसिट सरप्लस नहीं से अलग डिफरेंशिएट करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर डिफरेंशिएट करना है। तो शुरू करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा। LM कर्व कर गया राइटवर्ड शिफ्ट, LM1 बन गया, E1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम रोल देखेंगे कि अब R1 हो गया, इट हैज़ फॉलन डाउन। अब अपने रूल्स में आते हैं, हमने पढ़ा था इफ़ RO फॉल्स टू R1 डेप्रिसिएशन हो जाएगी, और जहाँ डेप्रिसिएशन होती है उससे आपका IS का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब हम अपने IS कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे IS1। अब हम IS1 और LM1 को अगर इंटरसेक्ट करें, ये एक नया पॉइंट आ गया है E2। अब तक जितने डायग्राम्स बनाते थे उसमें जब भी हम नई इंटरसेक्शंस करते थे, घूम फिर के हम BP लाइन पर वापस आ जाते थे, बट यहाँ हम BP लाइन पर वापस आ ही नहीं रहे। तो आपके रूल में मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था, हेयर BP कर्व ओनली शिफ्ट राइटवर्ड्स वेयर न्यू LM1 इंटरसेक्ट्स न्यू IS1। इकलौता फर्स्ट एंड लास्ट डायग्राम इन आर्ट डायग्राम्स में जहाँ पर आपका BP कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका इसमें नया BP कर्व बन जाता है BP1 एट E2 पॉइंट, जहाँ LM1 और IS1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड डायग्राम, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में अब सबको रट ही गया होगा,
IS फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका नया पॉइंट बन जाएगा E1। अब इस नए पॉइंट को अगर मैं लेफ्ट साइड खींचूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब कि एप्रिसिएशन हो गया। और जब भी रूल्स के अकॉर्डिंग एप्रिसिएशन होती है तो IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एप्रिसिएशन हो गई, अपनी कंट्री का सामान फॉरनर्स को महंगा लगेगा, वो कम खरीदना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से IS कर्व विच इज़ अ गुड्स मार्केट कर्व रिप्रेजेंटिंग द सेल्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो जिसकी वजह से IS कर्व आपका बैकवर्ड आ जाएगा। IS1 कम बैक्स टू ISO और EO पॉइंट ही आपका नया इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट बन जाएगा। दस यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब हमारा ये इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है पहले से, बिकॉज इसमें BP कर्व थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगेन अगर आप इसके रूल्स का ध्यान रखेंगे तो ये भी आपको इजी लगेगा। अब हमारे मॉडल के जो 8 डायग्राम्स थे दैट इज़ कंप्लीटेड। एक बार अपने हाथ से डायग्राम की विद रूल्स, जैसे मैंने ये रूल्स लिखे हुए हैं, आप लोग भी रूल्स एक बार साथ लिख के डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए। फॉर 102% आई एम श्योर कि आपके डायग्राम्स बिल्कुल ठीक बनेंगे। फिर भी इफ़ यू पीपल फील लाइक यू हैव एनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स तो यू कैन कॉमेंट बिलो सो दैट आई कैन हेल्प। एंड मोर ओवर एक मुंडेल फ्लेमिंग का एक फर्दर पार्ट भी है कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसेस कैसे मेंटेन होते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट इवन स्टडी दैट एनी वन ऑफ यू यू कैन कॉमेंट सो दैट आई कुड बी इनकरेज टू मेक द फर्दर पार्ट ऑफ इट। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।